हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग की जिस पर हमने चार्ज क्यू दिया हुआ। ओके, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में भी आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस ए। रेडियस का ओवर रिंग का होगा ए। वी हैव टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ओके, तो सपोज वी हैव रिंग, तो इसकी एक्सिस क्या होगी? इसकी एक्सिस होगी एक ऐसी लाइन जो कि इसके ओरिजिन, इसके सेंटर से पास हो रही है। तो इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस पर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इसका डायग्राम मुझे रिप्रेजेंट करना होगा। तो लेट ये जो ओरिजिन है, यहाँ पर ओरिजिन से किसी एक्स डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस रिंग। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, वो चीजें हम यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस कितना होगा, जिसका रेडियस है हमारा ए। ओके, और इस रिंग पर लेट वी आर अज्यूमिंग दैट कुछ चार्ज क्यू हमने इस पर दे दिया है, क्यू चार्ज गिवन है इस पर। ठीक है, लेट क्यू इज द चार्ज given on the ring, okay? और ये चार्ज हमको दिया है, ये जो चार्ज हमको दिया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है? According to question, it is distributed uniformly. Uniformly मतलब क्या हुआ कि किसी भी परिमित लेंथ पर आप देखोगे जो चार्ज डेंसिटी होगी, या चार्ज डेंसिटी हम कह सकते हैं, या चार्ज कह सकते हैं, that will be uniform, that is lambda will be equal to q upon a, और वो हर जगह पर इक्वल होगा किसी भी पर्टिकुलर लेंथ पर। तो हमने q चार्ज माना है। तो लेट ये ओरिजिन है, ओरिजिन यानी कि इसका सेंटर, और यहां से x सेपरेशन पर, x सेपरेशन पर जो पॉइंट p है, मुझे इस पॉइंट p पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा है कि यहाँ पर ये रिंग है, और यहाँ से मैं इस पॉइंट पर, ये पर्टिकुलर कोई पी पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो अब देखो, इसको करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये कब है? जब कोई क्यू चार्ज है। लेकिन हमारे पास अब क्यू चार्ज तो नहीं है, हमारे पास तो जो चार्ज है वो टोटली उस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या मानेंगे, लेट कि यहां पर मैं स्मॉल एलिमेंट मान रहा हूं जिसकी लेंथ है dl, और इस स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है वो कितना है, dq। तो इस dq चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड d ड्यू टू dq, दैट विल बी इक्वल टू d, और वो कितना होगा, k dq अपॉन सेपरेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट का सेपरेशन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और पॉइंट पे यहाँ पर है जहाँ पर उसकी फील्ड हमें निकालना है। तो इस स्मॉल चार्ज की इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ। तो देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, dAd के चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आउटपुट होती है, यानी कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस चार्ज की वजह से, जो स्मॉल चार्ज dq है, वो इस डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग। ओके, तो ये क्या है, dE को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लाइन है dE को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का हम सेपरेशन लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो सेपरेशन है हमारा r। तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, dE की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट होंगे। तो लेट ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस और एक पैरेलल टू द एक्सिस। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा, इसके अपोजिट इक्वल एंगल होगा। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ये कितना है, ये आएगा dE cos थीटा, लेकिन ये कंपोनेंट कितना आएगा, dE sin थीटा। ओके, तो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक dE sin थीटा और एक dE cos थीटा। ओके, सिमिलरली मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि लेट इसके ठीक अपोजिट साइड पर इतने ही लेंथ का मैं एलिमेंट अज्यूम कर रहा हूं, dl लेंथ का, जिसका चार्ज भी कितना है, dq। तो देखो, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी तो आउटवर्ड ही होगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे dE के, तो ये कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा ऊपर में,
एक माइक्रोस्ट्रिप से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब जो नीचे एलिमेंट है ना, इसके जो अपोजिट एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी डी, ठीक है, तो उसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर और एक कंपोनेंट जाएगा इस डायरेक्शन में। ये फॉर्मूला मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ डी का, ये डी है टोटल, और डी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, किसी भी एलिमेंट के स्मॉल एलिमेंट का डी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो बेटा ये था डी कंपोनेंट, ये था डी जो कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट हुए, एक ये जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस के और एक पैरेलल एक्सिस के। अब जो नीचे एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है डी, तो उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब जब ये एंगल थीटा है, ये एक्स है, ठीक है, ये सेंटर भी तो आर होगा और यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये भी तो ये होगा, तो ये तीनों ये जो दो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अपर वाला और एक लोअर वाला, ये कोंग्रुएंट होंगे, तो इसमें ये एंगल भी बराबर ही होगा थीटा के, ठीक है। तो सिमिलरली ये जो अपोजिट पोर्शन है ये वाला, ये भी तो थीटा हुआ, तो यहाँ पर भी एक और कंपोनेंट हमें मिलेगा इसका डी का, एक होगा डी कॉस थीटा और एक डी साइन थीटा, ठीक है, एक कितना हुआ डी कॉस थीटा, इसको मैं अलग मार्कर से लिख देता हूँ डी कॉस थीटा, और ये कितना हो गया डी साइन थीटा जो ऊपर जा रहा है डी साइन थीटा। अब आप एक चीज देखो, जितना अमाउंट इसका हेड ई साइन थीटा उतना ही ऊपर है डी साइन थीटा, यानी कि जो हमारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे दे विल कैंसिल आउट, बिकॉज ये दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा डी साइन थीटा और डी साइन थीटा, तो नेट परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना मिलेगा जीरो। तो यहां पर मैं साइन लिख देता हूं नेट वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जीरो क्यों है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए नेट वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा फील्ड का जीरो। ओके, यानी कि हमारे पास अब जो कंपोनेंट है वो कौन सा है डी कॉस थीटा, ठीक है, डी कॉस थीटा जो कि उस एक्सिस के अलोंग है, तो वही हमें फाइंड करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो क्या बचा है, वो बचा है डी एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा एक्स क्यू, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में, वो कितना होगा डी का अमाउंट और उसका कॉस थीटा, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका कॉस थीटा का कंपोनेंट, ठीक है, डी एक्स डी कॉस थीटा हो गया। अब डी की वैल्यू हमें रखनी होगी, तो डी की वैल्यू क्या, वो पुट करो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब देखो हमें एक तो कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है और डी क्यू की वैल्यू रखनी है, तो इन दोनों की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। तो सपोज करो मैं इस पॉइंट को ले रहा हूं ए पॉइंट, ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपो, तो इस एंगल का बेस क्या हो गया एक्स और हाइपो क्या होगा आर, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा एक्स अपॉन आर। एक चीज और देखो, मैं निकाल रहा हूं इस स्मॉल चार्ज की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू, तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी, लैम्डा इक्वल टू कितना होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जो लेंथ है वो कितना होगा क्यू अपॉन टू पाई ए, ये चार्ज डेंसिटी है हमारी, ठीक है। हमें निकाल ले एक स्मॉल अमाउंट में ये जो डी क्यू है, इसमें ये जो डी क्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ क्यू और टू रेडियस, तो dq की वैल्यू मुझे यहां पुट करनी है। तो देखो अब लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू ये भी तो होगा dq, यानी कि स्मॉल पोर्शन ऑफ चार्ज अपॉन dl, ठीक है। जब हमें स्मॉल पोर्शन का लिखना होगा तो हम लिखेंगे dq अपॉन dl, dq अपॉन dl, और लैम्डा क्या है चार्ज अपॉन पेरिमीटर भी तो होगा इस सर्कमफेरेंस का, इस रिंग का सर्कमफेरेंस, तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा q अपॉन टू पाई ए इंटू डी एल, ये डी क्यू की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू किसकी हो गई cos थीटा की, जो कि x अपॉन r है, तो ये दोनों वैल्यू हमें यहां पर पुट करनी है, तो डी x कितना हो जाएगा डी x विल बी इक्वल टू के डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी बेटा q अपॉन टू पाई इंटू ए और डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है x अपॉन r,
ओके अब देखिए हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कब निकलेगी, जब किसी स्मॉल पोर्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो स्मॉल पोर्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है डी, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारी, जो भी होगी वो तो एक्स डायरेक्शन में ही है ना। अब यहाँ से जो चीजें कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो यहाँ से के कॉन्स्टेंट है, टू बाई ए कॉन्स्टेंट है, यह कितना हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे क्यूब बाहर आएगा और एक्स बाहर आएगा, यानी अंदर क्या बचा ओनली डीएल। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हमने बाकी चीजों को बाहर क्यों निकाला है, जो इंटीग्रेशन होता है वो उन्हीं चीजों का होता है जो कि यहाँ पर वेरिएबल है। अब देखिए ये पी पॉइंट फिक्स है, जब तक के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो पी पॉइंट तो वेरी नहीं कर रहा, तो एक्स कॉन्स्टेंट, रेडियस भी कॉन्स्टेंट होगा, और जब ए और एक्स कॉन्स्टेंट है ठीक है, आर भी कॉन्स्टेंट होगा, तो जो कॉन्स्टेंट चीजें थी उसको इंटीग्रेशन से मैंने बाहर निकाल लिया है, तो इंटीग्रेशन मुझे सिर्फ किसका करना है डीएल का, और डीएल क्या है, डीएल है स्मॉल पोर्शन जो लेंथ है। अब इस स्मॉल पोर्शन के इंटीग्रेशन का मतलब है कि टोटल लेंथ कितनी होगी, और टोटल लेंथ हमें पता है कितनी होगी डीएल, जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ठीक है, और वो कितना होगा 2 पाई है, जो इसका पेरिमीटर होगा सर्कल का, तो आफ्टर इंटीग्रेशन वी हैव टू पुट द लिमिट वैल्यू, तो 0 से 2 पाई a तक चलेगा। अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने लिमिट 0 से 2 पाई है क्यों ली है ठीक है। यहाँ पे अगर आप फिर से देखोगे तो d के हमारे पास दो कंपोनेंट थे, d cos थीटा, एक तो जो इस फील्ड की वजह से आया था, और एक जो इस फील्ड की वजह से आया था d cos थीटा, यानी कि d cos थीटा हमारे पास दो कंपोनेंट थे, लेकिन मैंने एक ही कंपोनेंट लिया है कैलकुलेशन में, क्यों, क्योंकि मैं लिमिट क्या ले रहा हूँ, लिमिट में ले रहा हूँ 0 से 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई a में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी x डायरेक्शन वाली वो सब एड अप हो जाएगी, तो हमें दो बार वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो dl है, dl dl की जो लिमिट होगी वो 0 से 2 पाई a तक जाएगी ठीक है। अब देखो यहां पर और तो कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन और ये dl स्मॉल पोर्शन, तो इसका इंटीग्रेशन होने के बाद कितना आएगा, e = k की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon 0, हमें पता है 1/4 pi epsilon 0 ठीक है, k की वैल्यू रखी है मैंने, q x 2 पाई a r क्यूब, और आफ्टर इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई a इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ लेंथ, और l की वैल्यू क्या होगी 2 पाई a, तो यहां पे डायरेक्ट में लिख रहा हूं, जो नेट इंटीग्रेशन होगा वो सर्कमफेरेंस आएगा सर्कल का, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई a, तो देखो ये भी 2 पाई है और ये भी 2 पाई है, तो दोनों तो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा q x / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। अब मुझे r की वैल्यू रेडियस और x के टर्म में लिखना है, तो आप इस ट्रायंगल में देखो a o p में, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, r विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ठीक है, r का स्क्वायर, क्यों, ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है बेस, और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, और जब r स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है तो हम तो r क्यूब की वैल्यू रखनी है ना, तो देखो ये मैं थोड़ा साइड में करवा रहा हूं, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और उसका रूट, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 पावर 1/2, अब आप इसका क्यूब कर दीजिए तो r की क्यूब कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो r की क्यूब की वैल्यू हमें पता लग गई, वो हम यहां रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू q x ठीक है, 1/4 pi epsilon 0 क्या होता है, 1/4 pi epsilon 0 क्या होता है, k होता है, कोई बात नहीं, हम उसको बाद में पुट कर लेंगे, तो वो वैल्यू कितनी है 1/4 pi epsilon 0, और यहां पर रखो r की क्यूब की वैल्यू जो कि मिलेगी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला आ गया, किसकी वजह से आया ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिस फॉर्मूले को हम थोड़ा इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, के की वैल्यू कितना है 1/4 pi epsilon 0, तो ये था हमारा डेरिवेशन किसकी वजह से, एक रिंग की वजह से जिसपे चार्ज डेंसिटी
जो चार्ज है वो कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितना चार्ज था क्यू, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, रिंग का रेडियस कितना है a। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी है वो x डिस्टेंस पर करी है फ्रॉम द एक्सिस। अब इस फॉर्मूला के कुछ कंक्लूजन भी मैं बताऊंगा आपको कि इस फॉर्मूले से हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज हटा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको आप देखो जो भी डेरिवेशन है, जो भी डेरिवेशन आप सीख रहे हो उसको जब आप सीख लो वीडियो से उसको खुद एक दो बार प्रैक्टिस करके देखो। ऐसा नहीं होगा कि पहली बार में आप सही से कर पाओगे, तो आप हिम्मत मत हारना, आप उसको दोबारा प्रैक्टिस करो कि कहां कहां पर आपको उसमें फीडबैक चाहिए, वो फीडबैक लो और फिर उसको खुद से जरूर डेरिवेशन करो। आप डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम से, एग्जाम के लिए। तो ये कंपोनेंट, ये सारी चीजें मैं हटा रहा हूँ, अब मैं इस फॉर्मूले पर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। फॉर्मूला ही काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए फॉर्मूला पर बात करते हैं थोड़ा। ए इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया, ए इक्वल टू आया के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो एक चीज हो रहा है, जब भी आप कोई फॉर्मूला याद करना चाहे तो आपको पता होना चाहिए हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए क्या है, ए है रेडियस, एक्स क्या है वो डिस्टेंस है एक्स पी पॉइंट से लेकर के ओ पॉइंट तक का, यानी कि ओरिजिन से या उसके सेंटर से, रिंग के सेंटर से जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वहां से वहां तक का सेपरेशन एक्स है। तो एक्स क्या हमारे पास कह सकते हैं हम, एक्स इज सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड नीड टू बी फाउंड, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्स वो सेपरेशन पी से ओ पॉइंट तक का सेपरेशन, ठीक है। अब डिस्कशन करते हैं, चलिए। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या होगा अगर ये जो पी पॉइंट है वो इसके सेंटर से काफी ज्यादा दूर हो, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सपोज ये रिंग है यहां पर सेंटर है, तो सेंटर से अगर काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा दूर होगा पी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ पी पॉइंट इज वेरी फार फ्रॉम O point, from O, यानी कि हम काफी ज्यादा दूर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसमें देखो, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, x की वैल्यू तो काफी 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 ज्यादा होगी किससे, a से, यानी कि हम उसका इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। तो a इक्वल टू कितना आएगा, k q x अपॉन a स्क्वायर, को मैं इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि x के कंपैरिजन में a की वैल्यू काफी छोटी है, उसका स्क्वायर करोगे वो और भी छोटा आएगा। जैसे कि 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो और भी छोटी क्वांटिटी आती है, लेकिन अगर आप ऐसी क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हो जो कि 1 से ग्रेटर है तो वो वैल्यू बड़ी होती जाती है, लेकिन किसी छोटी क्वांटिटी जो कि 1 से छोटी होगी उसका आप स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो और छोटी हो जाती है। इसलिए मैं a स्क्वायर को क्या कर रहा हूं, इग्नोर, तो इग्नोर करो इसको। तो x स्क्वायर a तो हट गया, x स्क्वायर पावर कितनी है 3/2, तो भैया 2 से जाएगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा x की क्यूब, तो k क्यू x अपॉन x की क्यूब। अब क्या है x है, यहाँ पे क्या x की क्यूब है, तो एक पावर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इक्वल टू आ गया हमारा k क्यू अपॉन x स्क्वायर। अच्छे से लिखते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू k क्यू अपॉन x स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है क्या, ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा हुआ है, आपको याद करो ये फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं किसी एक पॉइंट चार्ज की, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ओके क्यू, तो किसी एक्स सेपरेशन पर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, क्या क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट से मुझे क्या पता चल रहा है, इससे मुझे क्या कंक्लूड निकला है कि अगर आप रिंग से काफी ज्यादा दूर देखोगे, अगर आप रिंग से काफी ज्यादा दूर फाइंड करोगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो किसके इक्वल आएगी, वो रिंग जो है वो इस तरह से बिहेव करेगी जब पॉइंट पी काफी ज्यादा दूर है कि एक पॉइंट चार्ज है,
यानी जो कंप्लीटली रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर से काफी ज्यादा दूरी पर फाइंड करना चाह रहे हैं। ओके ओके ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अब करते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब पॉइंट काफी ज्यादा दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि रिंग विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, तो काफी लार्ज डिस्टेंस पर क्यू चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। एक पॉइंट और कंक्लूजन करते हैं, एक और कंक्लूजन हम निकालते हैं इस फॉर्मूले को देख कर के। सोचो क्या निकलेगा। देखो एक्स है यहां पर, एक्स क्या ये सेपरेशन है, तो इसी सेपरेशन को इसी पी पॉइंट को अगर मैं सेंटर पे ले आऊं तो क्या होगा। अगर इसी एक्स को एक्स यहां तक ना यहां तक का डिस्टेंस इसी पी पॉइंट को मैं इसके ओरिजिन पे ही ले आऊं, सेंटर पे ही ले आऊं, तो एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया जीरो। तो जब एक्स जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो हो जाएगा तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जीरो। यानी कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं इनडायरेक्टली भी आपको समझाऊंगा कि क्यों जीरो हो रही हो। ये मेन फॉर्मूला था हमारा, चलो तो इसको हटा देते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट मैंने क्या करा कि पी पॉइंट को मैं ओ पॉइंट पर ले आया हूं। ओके, सो लेट पी पॉइंट इज एट दी सेंटर, यानी कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो सेंटर पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां फाइंड कर रहे हैं, जो पी पॉइंट है वो सेंटर पे आ गया, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, या इक्वल टू लिख देते हैं हम, एक्स इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी रिंग की वजह से के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो भैया एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, जीरो। यानी कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, जीरो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। जीरो बिना सोल्व करे बताऊंगा कैसा आएगा, अभी देखना। बिना सोल्व करे मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आएगी। इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं है, कभी एमसीक्यू में आए तो डायरेक्ट लिखो। अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, किसी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। बताता हूं क्यों जीरो आएगी। ओके, चलो तो ये आप नोट कर लेना, ये पॉइंट जरूर नोट करते रहो, खुद से डेरिवेशन करो, खुद से चीजें याद रखने की कोशिश करो। काफी किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्जाम में चीजें कब आ जाए पता भी नहीं चलेगा आपको, तो सीखते रहो, याद रखते रहो, जरूरी है चीजें याद रखना, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो मेरे पास क्या थी, रिंग थी। अरे भैया अच्छे से बताओ इसको, ये रिंग है, ठीक है। अब ये रिंग है तो इसके हर एक पॉइंट पर, हर एक सर्कमफ्रेंस पर, इसका जो भी सर्कमफ्रेंस है, मैंने कितना चार्ज दे दिया इसको, मैंने इस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया भैया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। भले वो कितना भी हो, क्यू हो, क्यू प्लस टू क्यू हो या थ्री क्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन बस इतना पता है कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब एक चीज समझना, इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, आउटवर्ड, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका दुश्मन बैठा है नीचे, इसका दुश्मन कहां बैठा है, इसका दुश्मन बैठा है इसके अपोजिट में, तो जो दुश्मन है इसका वो यहां पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो भैया जितनी ताकत इसने लगाई नीचे को, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने लगाई नीचे को, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसने लगा दी ऊपर को, तो क्या हो गया नेट, जीरो। ओके, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसी तरह से मान लो मैं इसको ले रहा हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, इसका दुश्मन कहां छिपा बैठा है, यहां पर, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो भैया अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कितनी बची, जीरो। तो इसी तरह से हर किसी का चार्ज का दुश्मन उसके अपोजिट पॉइंट पर बैठा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जो यहां पर आ गई थी, जीरो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतने ही करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।